हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका फ्रॉम संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा। तो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्केनोज के बारे में। तो वॉल्केनोज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में तो आपने काफ़ी देखा ही होगा, बचपन से सुना भी होगा, लेकिन उसका थोड़ा और इंट्रोडक्शन, किस तरीके से वॉल्केनोज काम करते हैं, कि क्या उनका हमारे लाइफ में बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से वो दिखते हैं और कितने उनके टाइप्स होते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वॉल्केनो। ओके, वॉल्केनो बेसिकली ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में देखने में लगता है। देखो, आप देख रहे होंगे, इसमें देखो कैसे आग बाहर आ रही है, इधर से एक माउंटेन की तरह लग रहा है, और इधर देखेंगे कि अरे ये तो स्नो जैसा नज़र आ रहा है। स्नो का नज़र आ रहा है इसलिए कि इसके ऊपर स्नो फॉल हो गया है, और ये कैसा है, डीएक्टिव वॉल्केनो। इसीलिए इस वॉल्केनो में और इस वॉल्केनो में यही अंतर है, ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये डीएक्टिव वॉल्केनो है, ये भी एक टाइप ऑफ वॉल्केनो है। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज अ वॉल्केनो। जो वॉल्केनो है, बेसिकली जब हम अपनी शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो वॉल्केनो एक ऐसा माउंटेन जिसके आगे बहुत सारी आग है, या फिर बहुत सारी फायर एकदम से बाहर निकल रही है। लेकिन बाहर निकलते ही हमें उसको केवल वॉल्केनो नहीं कहना है, वो क्या है, एक वॉल्केनिक इरप्शन है। और जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वही प्राइमरी स्टेज ऑफ वॉल्केनो होता है। वॉल्केनो इज अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस और एनी अदर प्लैनेट और मून्स सरफेस वेयर मेल्टन रॉक गैसेस, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की छोटे छोटे रॉक्स हैं या फिर गैसेस हैं, वाटर है, वाटर वेपर है, ये सारी की सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस के ऊपर आती हैं। जो वॉल्केनोज होते हैं वो किस तरीके से इरप्ट होते हैं, बेसिकली हम लोग जब देखते हैं तो हमारा एक मैग्मा का चैम्बर होता है अर्थ के इंटीरियर में। जब अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा के चैम्बर में बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और मेल्टेड मैग्मा धीरे धीरे प्रेशर के साथ ऊपर की साइड आता है, या फिर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली प्रेशर के साथ बाहर आता है, और वही मैग्मा जब आकर स्प्रेड हो जाता है उसी को ही बोला जाता है वॉल्केनिक इरप्शन। व्हेन द मैग्मा चैम्बर की जो वॉल होती है वो क्रैक हो जाती है, और क्रैक होने की वजह से उसके वेंट्स में से होकर मैग्मा बाहर आना शुरू हो जाता है। और वेंट क्या होता है इसके बारे में बेटा मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि वेंट, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया वेंट, तो वेंट किसे बोला जाता है और वेंट वॉल्केनो में किस तरीके से काम करता है, क्या इसका वैल्यू है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, सब कुछ मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। हाँ, जो वॉल्केनोज होते हैं उनका जो इरप्शन प्रॉपर वे में चलता है उसमें सिलिका, जब सिलिका का बहुत ज़्यादा रेशियो होता है तो कैसा हो जाता है वॉल्केनो का मैग्मा, वो हो जाता है थिक। और जब सिलिका का रेशियो कम होता है तो उसका रेशियो कम होने की वजह से वो कैसा हो जाता है, बहुत ही स्प्रेडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। इसके ही बेसिस पे हम लोग आगे चल के अभी आगे वाले स्टडीज़ में उसके टाइप्स को मैं डिस्कस करूँगी। व्हेन द मैग्मा इरप्शन, हाँ, जब मैग्मा बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा हल्का होता है तो उनको भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। बेसाल्टिक मैग्मा जो होता है वो होता है फास्ट मूविंग मैग्मा, और जो स्लो मूविंग होता है वो होता है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब है कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज। बेसिकली जैसे हम लोग जिस सरफेस पे रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे वॉल्केनोज नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे वॉल्केनोज देखे जा सकते हैं। क्या हम लोग जहाँ जिस प्लेस पे रह रहे हैं वहाँ पे भी वॉल्केनोज हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी उस वॉल्केनो को क्रिएट होने में या फिर इरप्ट होने में। वो क्या खास कारण है मैं उसको अभी आपके सामने बताती हूँ। क्या है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ अपर मेंटल,
जो हमारी अर्थ का अपर मेंटल है और जो हमारी क्रस्ट का लोअर पार्ट है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं मैग्मा की वजह से, फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक क्रैक या फिर एक होल के थ्रू धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा ये वाला सरफेस भी मैग्मा के चैम्बर से जुड़ जाए और मेल्टेड मैग्मा बाहर आने लगे, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वॉल्केनो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन होता कब है? जब प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। और भी इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और जो मेन कॉज है वो है आपका प्रेशर और टेम्परेचर। और वॉल्केनोज इज द एसेंशियल एंड ओपनिंग और वेंट। वेंट होता है इस टाइप की एक नली होती है यहाँ पे, उसे बोला जाता है वेंट। यहाँ पे एक जो पाइपलाइन होती है उसको वेंट, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे ये तो डोम टाइप लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना बहुत ही येलोइश टाइप के हेयर फैला दिए हों। इसके रीजंस क्या हैं? ये बहुत ही थिक मैग्मा से बना है और ये बहुत ही फास्ट मूविंग मैग्मा से बना है, इसीलिए दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं बेटा। और देखने में भी काफी अलग अलग लग रहे हैं। इसके अंदर बेसाल्टिक मैग्मा बोला जाता है इसको, इसको सिलिका मैग्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैं 2 से 3 बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि वेंट से वो बाहर आता है, वेंट वेंट। तो वेंट कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वेंट बेटा ये जो लाइन होती है जिसमें से, ये हो गया हमारा मैग्मा चैम्बर और ये हो गई एक पाइपलाइन। इसी पाइपलाइन को, जो मैग्मा को, जो हमारे इस चैम्बर को हमारे सरफेस से जोड़ती है, उसी पाइपलाइन को बोला जाता है वेंट। और ये मैग्मा चैम्बर ऐसा है जिसके अंदर लॉट्स ऑफ मैग्मा भरा हुआ है, मेल्टेड रॉक्स, गैसेस और बहुत सारी इवेपोरेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल है। इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर वहाँ देखा जाएगा कि वहाँ आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और वो कहाँ पे पाया जाता है? वो क्रस्ट और मेंटल के जस्ट बराबर में, जिसे हम लोग मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। और जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, जिसको मैंने पिछली वाली जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, ये वो लाइन होती है जहाँ पे मेंटल और क्रस्ट दोनों आकर मिलती हैं और उसी में ही एक चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर, जिसके अंदर लॉट्स ऑफ मैग्मा फिल होता है। फिर आती है बारी क्रेटर। अब ये क्रेटर, वेंट ये रहा और क्रेटर ये रहा। देखो नंबर 1 मैग्मा चैम्बर, नंबर 2 ये कहाँ गया, मैग्मा चैम्बर, ये हो गया वेंट। अब आता है क्रेटर। क्रेटर वो माउथ है हमारे वॉल्केनो का जहाँ से बहुत सारे लावा का इरप्शन होता है और इरप्शन लेयर बाय लेयर स्प्रेड होता जाता है, कूलिंग होती जाती है और धीरे धीरे वो माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है और आगे चल के हम उसको वॉल्केनिक माउंटेन के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ से लावा कितना प्रॉपरली निकल रहा है और ये क्या है, ऐश है, गैस क्लाउड्स बने हुए हैं। ये क्या, क्रेटर। क्रेटर क्रेटर क्या है? क्रेटर एक बहुत बड़ा होल होता है जहाँ से इधर से उधर से मैग्मा स्प्रेड होता रहता है और जब ये सरफेस पे बाहर आ जाता है तो क्या कहते हैं इसको, लावा। इसको बोला जाता है लावा। क्यों? 2 टाइप का लिक्विड पाया जाता है, एक जब इंटीरियर में होता है तो उसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है, जब वो बाहर आ जाता है हमारे सरफेस पे तो हम उसका नाम बदल देते हैं। जब उसमें से ऐश और गैस दोनों ही अलग हो जाते हैं तब वो क्या कहलाता है, वो लावा कहलाता है। अब ये वाला पिक्चर सबको दिख रहा है? अब देखो मैग्मा चैम्बर कितना प्रॉपरली दिख रहा है, इसमें मैग्मा चैम्बर ये हो गया हमारा, वेंट ये है। इसमें भी कुछ लेवल्स दे रखे हैं। पहला क्या है, सेकेंडरी वेंट। इसमें आपको भी लग रहा होगा ये सेकेंडरी वेंट कहाँ से आ गया, ये प्राइमरी वेंट क्या होता है, सेकेंडरी वेंट क्या होता है और सेकेंडरी वेंट का इससे क्या संबंध है, ये सारी बातें मैं आपको इसमें अभी बताती हूँ इस डायग्राम के थ्रू।
सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे मैग्मा चैम्बर के ऊपर, क्यों, स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर से सीधा हम वेंट के ऊपर ध्यान देंगे, ये है हमारा वेंट, और यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से लॉट्स ऑफ मैग्मा बाहर आ रहा है हमारे सरफेस पे, स्प्रेड हो रहा है। लेकिन क्या होता है बेटा, क्योंकि ये जो रॉक्स हैं और ये जो लेयर हैं वो भी थोड़े थोड़े क्रैक होने लगते हैं इसके प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पे उसने जैसे क्रैक बनाया, क्रैक की वजह से यहाँ पे भी एक दरार पड़ गई या फिर एक छोटा सा होल हो गया। उस होल में से जैसे ही मैग्मा बाहर आना शुरू हो जाएगा, और उस मैग्मा के निकलने वाले प्रोसेस को ही बोला जाता है सेकेंडरी वेंट। क्यों, क्योंकि ये एक मेन वेंट में से बन रहा है दूसरा वेंट, इसको हम लोग पैरासाइट वेंट के नाम से भी जानते हैं। पैरासाइट मतलब जो जिसका अपना कुछ नहीं है, जो दूसरे के ऊपर ही प्रॉपरली डिपेंडेंट है। अब बारी आती है सेकेंडरी कोन, क्योंकि मेन कोन तो ये हो गया जो पहला पहाड़ है, ये वाला माउंटेन पहला, 1 2 3 4 5 6 कितने सारे लेयर्स हैं, और ये लेयर्स हर बार के ये हर एक लेयर इसके हर बार के इरप्शन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहा है। क्योंकि पहले सबसे पहला जो इरप्शन हुआ उसका ये वाला लेयर है, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर ये रहा, हर बार का इरप्शन हर बार के लेयर को आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या बन गया, एक कोन में कन्वर्ट हो गया ऊपर। लेकिन ये कौन सा है, प्राइमरी कोन। और जब ये प्राइमरी कोन है, प्राइमरी कोन के साथ में उसी प्राइमरी कोन में एक दरार या फिर एक छोटे छेद की वजह से एक वेंट बना, उस वेंट के वजह से एक और कोन का जो क्रिएशन हुआ वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कोन। प्रोसेस सेम है लेकिन सेकेंडरी इसलिए कहते हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मेन वेंट पे इस वजह से। फिर नेक्स्ट आता है इसी में एस क्लाउड, जो ऐश है, कि जहाँ पे इतना सारा गैस है, इतना सारा बर्निंग मटेरियल है और लॉट्स ऑफ लावा है, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐश भी होगी। और ऐश जो है वो स्काई में वो इतनी लाइट वेटेड होती है कि वो कुछ तो नीचे स्प्रेड होके कूल हो जाती है, और कुछ होती है हमारे एनवायरनमेंट में ही, हमारे एटमॉस्फेयर में ही थोड़ा थोड़ा फ्लोट होते रहती है। और क्यों, क्योंकि जो उसकी डेंसिटी है वो इतनी नहीं होती है कि वो आकर लैंड पे स्प्रेड हो जाए, इसीलिए वो एयर के साथ उस सराउंडिंग में उसके मूव करना शुरू कर देती है। तो हम उसी ऐश के जो सराउंडिंग हो रही है या फिर ऐश का जो प्रॉपर थिकनेस है उसको बोला जाता है ऐश क्लाउड के नाम से। ये वास्तव में आर्टिफिशियल होता है, इसका कोई वैल्यू वास्तव में नहीं होता है, ना तो ये बारिश करा सकता है और ना ही ये किसी हमारे इकोनॉमिक या फिर किसी सोशल यूज़ में आता है। इसका केवल इतना ही है कि ये ऐश है, और ऐश वाटर वेपर के साथ कोट होकर हमारे एनवायरनमेंट में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रॉपरली फ्लोट हो रही है। अब बारी आती है इसमें क्रेटर। अब क्रेटर मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ से जो प्रॉपरली लावा निकल के इधर यहाँ स्प्रेड हो रहा है, ये है क्रेटर। इसमें है लावा फ्लो, सबको दिख रहा है ना, लावा प्रॉपरली फ्लो हो रहा है। आप लोगों ने ये बात नोटिस की, मैं अंदर तो उसको मैग्मा बोला है और बाहर इसको लावा। जब अंदर से जब इसमें से रिलीज हो जाती है, गैस रिलीज हो जाती है, प्रॉपरली ऐश रिलीज हो जाती है, तब ये मैग्मा क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है इसको। अब आता है बहुत, अभी इसके पहले ही हम लोग ऐश क्लाउड्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी वॉल्केनो। बेसिकली वॉल्केनो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसकी बेसिक नॉलेज हम लोगों ने ले ली कि इसका वेंट होता है, इसका एक क्रेटर होता है और एक लावा चैम्बर होता है। ये सारी बातों पर हमने प्रॉपरली ध्यान दे लिया। लेकिन ये
ये होता क्यों है, इसका स्ट्रक्चर अंदर से दिखता क्यों है, क्योंकि हमारे हम लोगों को सरफेस से ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इसीलिए एक वर्टिकल कट करके उस चीज़ों को देखने की और उस डायग्राम को बनाकर समझाने की कोशिश की गई है। बेटा ये क्या है, वेंट का प्राइमरी वो जोड़ जहाँ पे हमारा मैग्मा चैम्बर स्टार्ट हो रहा है और हमारा इधर वेंट स्टार्ट हो रहा है ये प्रॉपरली। तो ये लेयर्स हैं, लेयर्स क्या हैं, रॉक्स हैं, ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहाँ पे हमारे कुछ हमारे इग्नियस रॉक्स मिल जाएंगे, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स मिल जाएंगे, और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं, लेयर्स ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैग्मा चैम्बर पहले से ही लोकेटेड है। क्यों, बहुत सारे टेम्परेचर और बहुत सारे प्रेशर की वजह से हमारे कुछ रॉक्स और हमारी कुछ रॉ मटेरियल या फिर हमारे सेडिमेंट्स मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने की वजह से एक मैग्मा चैम्बर में प्रॉपरली डिपॉजिट रहते हैं, और वही मैग्मा चैम्बर प्रेशर हीट की वजह से हीट की वजह से इधर एक दरार आ गई, इधर एक दरार आ गई, धीरे धीरे डिफरेंट 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 दरारें इसमें आती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हमारे सरफेस के ऊपर ही वॉल्केनोज लोकेटेड होते हैं, हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भी ये वॉल्केनोज आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वेंट यहाँ पर यहाँ तक बना और आगे जाकर उन रॉक्स को ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक ना कर पाने की वजह से वो वहीं की वहीं उसने अपना सारा मैग्मा स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद उसकी कूलिंग हो गई, जैसे ही कूलिंग हुई वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और हार्ड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होता है वो आगे चल के जो उसका फ्यूचर होता है वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और यही इग्नियस रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं, जब ये इग्नियस रॉक के टच में और मैग्मा और मैग्मा और बहुत सारा लावा आता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं का ही मिला जुला रूप आपको इंटीरियर ऑफ द लेयर में देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ये क्या एस रॉक्स, ये टर्मिनोलॉजी मैं काफ़ी आपको बता चुकी हूँ। हाँ, अब आता है डिफरेंट इरप्शंस स्टाइल, क्योंकि हर एक वॉल्केनो का डिफरेंट टाइप होता है, और वो टाइप डिफरेंट क्यों होता है, अब जब पहला वाला जो स्लाइड था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब बहुत ही फास्ट मूविंग मैग्मा निकलता है या फिर फास्ट मूविंग लावा निकलता है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो वॉल्केनोज के फॉर्मेशन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, फास्ट मूविंग लावा की वजह से, एक होता है स्लो मूविंग लावा, क्योंकि जो बेसाल्टिक लावा होता है वो बहुत ही जल्दी आता है और स्प्रेड हो जाता है, और कूलिंग के बाद एक बहुत ही पतली लेयर देखने को मिलती है। आज हम लोग इसको इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पीलियन इरप्शन, जो पीलियन इरप्शन होता है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला, और क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैस होती है और बहुत सारा वाटर वेपर्स होते हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये रहा क्रेटर और ये रहा वेंट, क्रेटर से काफ़ी ऊंचा जाके उसने जाके फोर्सफुली ऊपर लेके गया है, और फोर्सफुली ऊपर ले जाने का रीज़न क्या है, यहाँ पे जो हीटेड गैसेस हैं वो उसने प्रेशर बनाया और प्रेशर बना के वो उसको लेके गया। यही इरप्शंस क्या कहलाता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला, उस एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला होता है, और ऐसा ही होता है वल्केनियन, वल्केनियन इरप्शन होता है। वल्केनियन एक प्लेस है इटली के पास, वास्तव में वल्केनियन एक ज्वालामुखी से भरा हुआ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन वहाँ ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हीं वॉल्केनोज़ के इरप्शन
स्टेप बाय स्टेप होते रहते हैं और वो इतने ज़बरदस्त होते हैं, उनमें रॉक्स के पार्टिकल्स, रॉक्स, हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स उसके इरप्शन के साथ साथ बाहर आती हैं, इसीलिए वहाँ के आसपास रह पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आता है आइलैंड, जो आइसलैंड है, आइसलैंड इरप्शन बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे बहुत ही पीसफुल पर्सन। उसके अंदर इनके कंपैरिजन में बहुत प्रेशर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन इनका जो लावा होता है बहुत ही साइलेंटली स्प्रेड होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्मा या फिर इसका जो लावा होता है, इसके अंदर वाटर वेपर तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सिलिका की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसीलिए इसका इरप्शन बहुत ही साइलेंटली काम करता है। देखो ये इसका वेंट है और इसने जाकर उसमें टच भी नहीं किया। इसका देखो इरप्शन, फिर इसका देखो, यहाँ से ये रहा वेंट और ये रहा क्रेटर और ये इसकी, ये धीरे धीरे स्प्रेड हो गया बहुत ही साइलेंटली और इसमें इसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट आता हवाइयन। हवाइयन थोड़ा सा आइसलैंड वाला जो इरप्शन होता है उससे थोड़ा सा तेज होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो क्रेटर के बाद कालडेराज बनते हैं, वो कालडेराज बनते हैं हवाइयंस में। हवाइयन जो इरप्शन होते हैं इनके वेंट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं लेकिन धीरे धीरे करके ये वहीं की वहीं अपने मैग्मा और लावा को रखते हैं, ये अपने मैग्मा और लावा को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाते हैं। इवन इनका भी नेचर कुछ कुछ आइलैंड वाले इरप्शन की तरह ही लगता है। ये प्रॉपरली मैं अगर इन लोगों को ब्रदर्स बोलूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है इसका मैग्मा, और इसका मैग्मा थोड़ा थिक होता है, इसीलिए इसका वेंट ब्रॉड है और इसका वेंट नैरो है। देखने में भी फर्क पड़ रहा होगा, देखो बेटा। अब है स्ट्रोम्बोलिन। स्ट्रोम्बोलिन इन्हीं का ही ब्रदर है, पीलियन और वोल्केनियन का ही सेम। सबसे ज़्यादा इसका इरप्शन खतरनाक होता है, सेम इसका भी होता है, लेकिन इसका लावा निकलता बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है, ऐश निकलेगी, गैस निकलेगी और बहुत सारा ऐश और गैस का क्लाउड बन जाएगा। इसमें क्या है, रॉक्स भी साथ में निकलते हैं और रॉक्स भी कैसे, सॉलिड रॉक्स निकलेंगे, वाटर वेपर निकलेगा। और इसमें भी है, ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसके ये इसमें है पीलियन। पीलियन का क्या है, एक तरफ आपको माउंटेन बहुत छोटा दिख रहा है और एक तरफ माउंटेन बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका स्लोपी है एरिया वो इस तरीके से काम करता है। देखो बेटा, अगर इसने ये वाला साइड पकड़ लिया तो ये इधर ही प्रॉपरली आएगा, और इतना ज़्यादा डार्कनेस होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, ऐश होता है, वाटर वेपर होता है और बर्निंग मटेरियल्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये इसका इरप्शन, इसका लावा इतना ज्वलनशील होता है कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉपरली गर्म, और इसमें लावा कम इसमें गैसेस ज़्यादा निकलते हैं, और इसमें क्या, बर्निंग मटेरियल बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और इसमें क्या, बर्निंग चीज़ें निकल रही हैं वो ऊपर के साइड जा रही हैं, उसमें सारे के सारे इधर धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं। अब है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जब हम वॉल्केनोज की बात करें और रिंग ऑफ फायर की बात ना करें, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और जो रिंग ऑफ फायर, इसका नाम क्यों और कैसे पड़ा, पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। रिंग ऑफ फायर, जब भी रिंग की बात होती है तो कोई सर्कल हमारे सामने आता है, और फायर की बात होती है तो वॉल्केनोज आते हैं। तो इसीलिए इन शॉर्ट में आपको बोलूँ, ये वो रिंग है जहाँ के चारों तरफ आपको वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ मिलता है, पैसिफिक ओशियन है उस वाले साइड में। ये देखो बेटा, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका जापान है, और ये है हमारा मिडिल अमेरिका ट्रेंच, इधर है पेरू ट्रेंच। वो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जिससे कि आपको माइंड में इसको लोकेट करने में आसानी हो जाए,
और ध्यान रहे कि बेसिकली जब मैम ने बताया था तो ये है कहाँ, ये जो चैम्बर है ये चैलेंज डीप है प्रॉपरली, यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा हमारा जापान, ये धीरे धीरे जापान ट्रेंच आ गई, फिर हमारी कोरियल ट्रेंच आ गई, ये पूरा का पूरा ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। देखो ऑस्ट्रेलिया भी इससे बचा हुआ नहीं है, ये हमारा न्यूजीलैंड, ये रहा देखो दिख रहा है ना इसमें, ये रहा हमारा जावा, जावा मतलब इंडोनेशिया, जावा मतलब इंडोनेशिया, और ये देखो तो फिलीपींस ट्रेंच दिख रहा है। सबके साथ ट्रेंच वर्ड क्यों आ रहा है, ट्रेंच इसलिए क्योंकि एक जगह से रॉक्स हटी और दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट हो गई, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक जब काम करेगी, जैसे ही प्लेट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी, डाइवर्टेड होंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेंच बन जाएगी, और यही ट्रेंचेस जो हैं वही कारण हैं हमारे वॉल्केनोज के इरप्शन की, और ये लॉट्स ऑफ ट्रेंचेस यहाँ पाए जाते हैं, यही रीज़न है रिंग ऑफ फायर का, जो कहाँ लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में, इस प्रॉपरली इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इवन यहाँ तक भी है साउथ सैंडविच ट्रेंच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो। अभी तक हम लोगों ने रिंग ऑफ फायर के बारे में डिस्कस किया, जो रिंग ऑफ फायर थी वो पैसिफिक ओशियन में थी, लेकिन कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं जो और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, हम लोग अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है पैसिफिक ओशियन में जो रिंग ऑफ फायर इज इन द एरिया वेयर द लार्ज नंबर ऑफ द अर्थक्वेक, क्यों, क्योंकि जो डाइवर्टेड बाउंड्री है प्लेट टेक्टोनिक की, डाइवर्टेड बाउंड्रीज की वजह से लॉट्स ऑफ लावा, लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस बाहर आता है, और इसी डिस्टर्बेंस को क्या बोला जाता है, अर्थक्वेक, और जहाँ अर्थक्वेक है वहाँ पे वॉल्केनोज होने की 99.9% पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि चाहे रॉक्स कन्वर्ट हो या फिर डाइवर्ट हो, दोनों में ही रॉक्स का मूवमेंट बन जाता है, और यही रॉक्स का मूवमेंट प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है, और जहाँ जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं वहाँ वहाँ हमारे अर्थक्वेक और वॉल्केनोज इरप्शन होना बहुत ही नॉर्मल बात है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पैसिफिक ओशियन में। फिर पैसिफिक ओशियन के बाद 40,000 किलोमीटर और जो एरिया है किसका, ओशनिक ट्रेंचेस हो गए, वॉल्केनिक आर्क हो गए, और हमारे वॉल्केनिक बेल्ट्स हो गए, इनमें पाए जाते हैं। ये वाला जो एरिया है इसमें हमारा 80% वॉल्केनोज इस वाले बेल्ट में पाए जाते हैं, 20% इस वाले बेल्ट में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में भी एक रिज है, अटलांटिक रिज के नाम से इसको जाना जाता है। जब ओशियन के अंदर ही वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, उनका मैग्मा बाहर आता है, तो बेटा उसको रिजेस के नाम से जाना जाता है। ये रिजेस जब सरफेस पे आ जाते हैं, वाटर के बाहर होते हैं, तो उनको वॉल्केनोज के नाम से जाना जाता है, और धीरे धीरे माउंटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी क्या है, प्रॉपरली एक रेंज होते हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ आपको डाइवर्टेड और कन्वर्टेड बाउंड्रीज मिलेंगी वहाँ वहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक और डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज देखने को मिल जाएंगे। अब है टाइप ऑफ वॉल्केनोज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको वॉल्केनोज के बारे में बता रही थी कि इस टाइप का वॉल्केनो या इस टाइप का, अब क्या है प्रॉपरली जो वॉल्केनोज हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें कंपोसाइट वॉल्केनोज कैसे होते हैं, जिसमें लावा रॉक्स और इनकी फॉर्मेशन होती है साइड साथ में ही, ये नीचे से अंदर से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में से निकल के बाहर आते हैं, और जिसमें आपका पीलियन हो गया, जिसमें आपका स्ट्रॉम्बोली हो गया, जिसमें आपका
वॉल्केनो हो गया, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वॉल्केनोज इसी वाले कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है शील्ड। शील्ड मतलब आप लोगों ने नॉर्मली शील्ड को तो देखा ही होगा, शील्ड कैसी दिखती है, कुछ बड़ी सी मैं बोलूँ तो प्लेट टाइप, जैसे प्लेट्स होते हैं घर में खाना खाते हैं ना जिसमें, वो शील्ड, जो शील्ड है वो एक ह्यूज बहुत बड़ा आकार है जिसके ऊपर एक वॉल्केनो धीरे धीरे एक फास्ट मूविंग वॉल्केनो सॉरी मैग्मा के साथ इसको क्रिएट कर रहा है लेयर बाय लेयर। ये सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, ये मिलता है आपका मिड ओशनिक रिज। और रिज अभी मैंने आपको लास्ट वाले स्लाइड में बताया था रिज क्या होता है। और जो सी फ्लोर्स होते हैं, सी फ्लोर्स उनको कहा जाता है जब सरफेस और हमारा हमारे कॉन्टिनेंट और हमारे ओशियंस के मिलने वाला जो रॉक होता है उसको हम लोग सी फ्लोर्स के नाम से जानते हैं। स्प्रेडिंग इन दी प्रोसेस एंड लॉन्ग सबडक्शन रिलेटेड दी वॉल्केनिक आर्क, जो वॉल्केनिक आर्क हैं डिफरेंट डिफरेंट उन पे आकर वो स्प्रेड हो जाता है। और यही जो आर्क हैं जब इनके ऊपर प्रॉपर वे में लावा या फिर मैग्मा स्प्रेड होके पूरी तरीके से कूलिंग हो जाती है और एक रॉक का फॉर्म ले लेता है तो उसको हम लोग रिच कहना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर से पानी हट जाएगा या फिर वो लैंड से बाहर आ जाएगा तो वो आइलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो दिखना शुरू हो जाता है या फिर अपेयर हो जाता है वाटर से तो वो क्या कहलाता है, वो उसको हम लोग उसको बोलते हैं आइलैंड्स। जैसे कि हमारा इंडोनेशिया हो गया, हमारा थाईलैंड हो गया और हमारा डिफरेंट डिफरेंट बात करते हैं वॉल्केनिक फीचर्स की। जो वॉल्केनिक फीचर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव वो हैं सारे के सारे जो जो अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा से बनते हैं, और एक्सट्रूसिव कौन से हैं बेटा, जो लावा से बनते हैं। और मैग्मा और लावा में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और आगे वाले जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो यही सारे के सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।